हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइस, काफी टाइम से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की और ना ही मैंने अपना कोई व्लॉग डाला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कंटिन्यूसली व्लॉग डालूं, चाहे दो दिन बाद चाहे तीन दिन बाद, पर ये मेरे से कंटिन्यू नहीं हो पाता है। सो आपने लास्ट टाइम देखा था कि मैं होली की वीडियोस बनाते हुए कैसे गिर गई थी। उसके बाद सभी लोगों की होली कैसी गई पहले कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और गाइस, मैं आप लोगों को अपना अपडेट देना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपको लग गई थी तो अब आपकी मतलब तबीयत कैसी है, दर्द वगैरह तो नहीं है। सो गाइस, मुझे बोला था 3 हफ्ते का रेस्ट, 6 वीक तो बोला ही था, पर 3 हफ्ते का कंटिन्यूसली रेस्ट बोला था। मुझे हो गए हैं 15 दिन, 15 दिन हो गया लगने के बाद। मैं 4 तारीख को गिरी थी तो मुझे 15 दिन हो गया ऑलमोस्ट, तो मुझे आराम है भी और नहीं भी है, मुझे दर्द अभी भी है, काफ़ी है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना डॉक्टर है वो चेंज करूं। चेंज तो मैं नहीं करना चाहती थी, पर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जैसे कि ये ऑर्थो के डॉक्टर थे, ठीक है, अब मैं किसी नर्स वाले को दिखाना चाहती हूँ, क्या पता मतलब क्या हो गया है क्या नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स में तो वही आया है, मेजर जो छोटा सा फ्रैक्चर आया है, बट यही है मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं है। जब तक पेन किलर खा रही हूँ तब तक ठीक है, पर पेन किलर ज़्यादा नहीं खा सकती क्योंकि किडनी पे इफेक्ट पड़ता है और हमें पथरी के भी चांसेस होते हैं, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मुझे पेन भी ज़्यादा है, फीवर भी है, कोल्ड भी है, दर्द की वजह से मैं रात रात भर नहीं सो पा रही हूँ, मुझे पेन ज़्यादा है। तो मैं वहीं जा रही हूँ, उनको दिखाती हूँ, फिर उनसे पूछती हूँ मतलब क्या ही करूँ, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और रही बात डॉक्टर की, तो मैं डॉक्टर पे भी जाऊँगी और ये जो नसों वाले जो होते हैं ना उनको दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया एक बार आप जो नस वगैरह होती है, मसल्स वगैरह होती है, वो लोग वो चेक कर लेते हैं। तो अब उनको क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, और इनका तो पता ही है डॉक्टर का, तो मैं डॉक्टर को बाद में दिखाऊंगी। आज मैं वहीं जा रही हूँ तो मैं वहीं का आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी इस वीडियो में, तो चलते हैं। सो हम आ गए श्री गणपति हेल्थ सेंटर, और हमें इसके बारे में किसी ने बताया था तो मेरी दादी ने बोला कि आप यहाँ जाओ, यहाँ पे जाके पता करो। तो अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या है। कि फ़ी 300 रुपये है और ये होम विजिट भी करते हैं, देख सकते हो नंबर भी लिखा है। सो गाइस, आप लोगों को पता है इनका जो ट्रीटमेंट है वो एक्यूप्रेशर का है, जैसे नस वगैरह, मसल्स वगैरह और जो पॉइंट्स होते हैं ना हमारी बॉडी के, ये वो देखते हैं और वो ही उन्हीं की मालिश करते हैं, वही दबाते हैं। और देख सकते हो मुझे ये टैबलेट दी है दूध के साथ खाने के लिए, हल्दी वाला दूध पीना है दिन में 2 बार और ये टैबलेट खानी है, ये गोली दी है। तो ठीक है, ये ट्रीटमेंट करके देखते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, देख सकते हो मेरी स्माइल और फीलिंग बेटर, अच्छा था। और मैं रोड की साइड आई, देख सकते हो काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है, एक तो शोर भी काफ़ी हो रहा है, पता नहीं आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही होगी या नहीं। और हम, मैं और मम्मी रुके हुए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए, ये भैया गन्ने का जूस निकाल रहे, गर्मी आ गई ना तो। अच्छा, किस किस को पसंद है गन्ने का जूस, सब लोग मुझे ही देखते हैं। तो ये है मीठा मीठा प्यारा प्यारा गन्ने का जूस जो है विदाउट सॉल्ट, और अब हम ये नारियल पानी पैक करा रहे हैं। हाय गाइस, गुड इवनिंग, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं वहां से आई थी और सो गई थी, सो अभी उठी हूँ। और गाइज, ये जो सोने की बीमारी है ना, ये मुझे ही है या आप लोगों को भी है पता नहीं, मैं वहां से आई थक गई और मैं सो गई। अब उसके बाद मैं अब उठी हूँ, सामने देख सकते हो 6 बज रहे हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिलीफ फील हो रहा है, ये मेरा मतलब अच्छा लग रहा है, जो मेरे को उन्होंने ट्रीटमेंट दिया वो अच्छा था, मतलब एक तरीके से घरेलू ट्रीटमेंट था। और उन्होंने मुझे ऑयल दिया जो बैक पे लगाना है, और एक और चीज़ बताई उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देख के, कि जो मेरी जो बैक की मतलब जो नस है ना, एक बैक में नस है वो थोड़ी दब गई है, तो उसके लिए भी मुझे ट्रीटमेंट बताया। तो मेरे को संडे को बुलाया, मैं संडे को जाऊंगी और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, दर्द भी इतना नहीं है। सो एक और चीज़, हमारे यहाँ आज खाटू श्याम जी का जागरण है,
तो मैं और मम्मी वहां जा रहे हैं। मम्मी कह रही है कि तू भी चल। पहले मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था, पर मुझे अच्छा रिलीफ लग रहा है तो क्यों ना मैं वहां जाऊं और दर्शन करूं बाबा जी के। तो मेरा भी मन कर रहा है जाने का, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। ये मेरा व्लॉग का पार्ट नहीं था, पर अचानक से ये पार्ट भी आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ एंड ना करते हुए आप लोगों को भी व्लॉगिंग में मैं खाटू श्याम जी के दर्शन कराऊं। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा जागरण हो रहा है, सब लोग मिलके करवा रहे हैं, जितने भी हमारे मोहल्ले वाले हैं और यहाँ के जो MLA वगैरह जो भी है, ठीक है, उन सब लोगों ने मिलके कराया है। तो हमारे यहाँ जो पार्क है वहीं पे हो रहा है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ। देख सकते हो वैसे भी मेरी हालत काफी बुरी सी हो रही है, तो सोच रही हूँ अच्छे से रेडी वेडी होके चलती हूँ और अच्छा फील हो रहा है तो थोड़ा सा वहां दर्शन करती हूँ और आप लोगों को भी व्लॉगिंग में दिखाऊंगी, ठीक है। तो गाइज मैंने ये पहना है और हेयर में मेरे ऑयलिंग है, तो हेयर का तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और सिंपल सा बस फेस पे फेस वॉश करना है मेरे को, और फेस तो मेरा वैसे ही चमक जाएगा, है ना। वो तो अभी फेस वॉश नहीं किया इसलिए ऐसा लग रहा है। तो मम्मी कह रही है तेरे को जागरण में जाने की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तुझे बस रेडी होने की है। ऐसा है, मैं काफी टाइम से रेडी नहीं हुई हूँ और कहीं गई नहीं हूँ, डॉक्टर के सिवा मैं कहीं नहीं गई हूँ, बस डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, डॉक्टर से घर, घर से डॉक्टर, बस। मैं रेडी हो चुकी हूँ और देख सकते हो लेट गई हूँ। मम्मी का थर्सडे का फास्ट है तो मम्मी अपना फास्ट खोल रहे हैं और मैं रेडी वेडी होके, कब तक वेट करवाओगे? मम्मी कह रही है 7:30 बजे चलेंगे, 7 बज गए हैं, आधा घंटा और वेट करूं, इससे अच्छा फिर मैं रेस्ट ही कर लेती हूँ। और वैसे भी मुझे बैठे रहने के लिए मना किया है, तो देखो मैं लेट चुकी हूँ। अब देखो 7:00 का बेल तो बज गई है, हम 7:30 बजे जाएंगे जागरण में। आप लोगों को पता है जागरण 4 बजे स्टार्ट हो गया था। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं जागरण में, देख सकते हो काफी रश हो रहा है और काफी ही प्यारा सुंदर दरबार लगा हुआ है खाटू श्याम बाबा जी का, और देख सकते हो काफी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे। और गाइज काफी अच्छा अरेंजमेंट भी कर रखा है, ये साइड में से निकलने के लिए बॉर्डर लगा रखा है ताकि कोई धक्का मुक्की ना करे, लाइन लगा के बाबा जी के दर्शन आराम से करके और तिलक वगैरह लगवा के अपनी जगह पे बैठ सकता है। उनसे मिलने गए हैं, ये बड़ी कृपा है हम लोगों पर कि हम बाबा के चरणों में बैठे हैं। मैं अभी फ्लोर पे बैठ नहीं सकती थी तो मम्मी ने मुझे चेयर पे बिठा दिया कि तू यहाँ बैठ जा। और गाइस देख सकते हो सब लोग जमीन पे बैठे हुए थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मतलब सब बाबा जी में इतना मगन हो गए हैं ना कि सब खूब इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, देख सकते हो सजावट, दरबार सब कुछ बहुत सुंदर लगाया है। मैं वहाँ चेयर पे अपोजिट साइड में जाके बैठी हुई थी, वो भी अकेले, तो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मम्मी ने मुझे यहीं बुला लिया और मैं यहाँ आके ज़मीन पे बैठ तो गई हूँ, पर थोड़ा पेन हो रहा है, बट इट्स ओके, मैं थोड़ा वैसे ही करके बैठ गई हूँ। और देख सकते हो यहाँ से दरबार भी पास दिख रहा है, सब झूम रहे हैं, अपने में मगन है, और यहाँ से देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। ये हमारे यहाँ के MLA हैं, इनका सम्मान किया जा रहा है, ये अभी अभी आए हैं, सब यहाँ खड़े हुए हैं, देख सकते हो। और वहीं निकलते टाइम मुझे अपनी दो क्यूट सी फैन मिली जो मुझसे पूछ रही थी कि आप दीदी कैसे गिर गए थे। मैं अकेले घर जा रही हूँ, मम्मी वहीं रह गई हैं और मैं घर जा रही हूँ, थोड़ा खाना वगैरह भी बनाना है ना इस वजह से। तो गाइज मैं घर आ गई हूँ और आप लोगों को पता है मुझसे ना थोड़ा बैठा भी नहीं जा रहा था, इस वजह से भी आना पड़ा, वरना मैं भी मम्मी के साथ रुकती। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मुझे खाना भी बनाना है, मतलब खाना तो घर पर बनेगा ही, और पता है आप लोगों को 9 बज चुके हैं, तो फिर मैं इसलिए भी आ गई कि खाना बना लूँगी। और गाइज काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा, और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉगिंग में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि अभी मेरे 30K हुए हैं और मैं चाहती हूँ ये जल्दी से जल्दी 50,000 हो जाए, और वो आप ही लोगों को करना है। बाय बाय, जय श्री श्याम।